सुल्तानपुर में प्रधान सेक्रेटरी का हैंडपंप रिबोर और फिटनेस के नाम पर करोड़ों रुपए का गोलमाल सामने आया है। शिकायत को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संज्ञान में लिया है। अधिकारियों के निर्देश पर डीएम सुल्तानपुर ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश से घोटालेबाजों में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि जिले में सत्र 2022-23 में 1602 हैंडपंप का रिबोर और 2598 इंडिया मार्का 2 हैंडपंप का फिटनेस का कार्य कराया गया है। इतनी बड़ी संख्या में कराए गए मरम्मत का पैसा पंचायत राज विभाग से खारिज किया जा चुका है। रिबोर में 4,04,00,000 और मरम्मत में 38,00,000 रुपए व्यय दर्शाए गए। जब इसकी रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के हाथ लगी तो पूरे मामले में हंगामा शुरू हो गया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जिला अधिकारी को दिए हैं, जिसके अनुपालन में सुल्तानपुर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इसकी उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला को दिए हैं। निगरानी मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की तरफ से की जाएगी। जांच टीम को हिदायत दी गई है कि वह यह देखेगी कि हैंडपंप की फिटनेस और रिबोर का कार्य हुआ है या खाली कागज पर इसे दर्शाकर पैसा निकाल लिया गया है। टीम को हिदायत दी गई है कि वह लाभार्थियों से भी बात करे और जिन लोगों के घर पर हैंडपंप लगे हुए हैं उन लोगों से पूछताछ करे कि हैंडपंप रिबोर और फिटनेस का कार्य सुनिश्चित कराया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कई माननीय द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि हैंडपंप रिबोर और फिटनेस में घोटाला किया गया है। शिकायत में दर्शाया गया है कि ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर रिबोर और फिटनेस के नाम पर घोटाला किया जा रहा है, जिसके आधार पर पत्र को संज्ञान में लिया गया है। आदेश के अनुपालन में टीम गठित की गई है। टीम को 10 दिन का समय रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर प्रधान और सचिव के खिलाफ सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। आपको अवगत कराना है कि हमारे पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव महोदय ने 14 जून को एक पत्र जारी किया है, तो उसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि कई सारे माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि ग्राम पंचायतों में अक्सर रिबोर तथा मरम्मत को लेकर के फर्जीवाड़ा करते हुए पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है तथा उसके सत्यापन के लिए जिलों को निर्देशित किया है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा कमेटी गठित की गई है और 10 दिन का समय किया गया है कि रैंडमली हम लोग सत्यापन करेंगे। अगर अनियमितता आती है तो प्रधान सचिव के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए एक नज़ीर प्रस्तुत की जाएगी, जिससे कि इस तरह कोई फर्जीवाड़ा न कर सके। टीम गठित कर दी है, 10 दिन का समय दिया है और हम लोग रैंडमली सत्यापन भी करेंगे, पूरे 14 ब्लॉक को कवर करेंगे। अगर इस तरह कोई दिक्कत आती है तो फिर उनका खुलासा भी होगा, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।